नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिजिटल सॉल्यूशंस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर मेरे पास फेसबुक पेज है और उसमें मैं अपना कोई प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना चाह रहा हूँ, मान के चलिए मैंने पोस्ट कर दिया है और उस पोस्ट को बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे और कौन कौन से टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए हम उसको बूस्ट करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल इंगेजमेंट ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये 3 डॉट्स आपको दिख रहा है, आप चाहें जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मोबाइल में भी। तो मैंने एक पेज सेलेक्ट कर लिया है डिजिटल सॉल्यूशंस, ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। हाँ, अब मैं नीचे जाऊँगा, एक पोस्ट मैंने कर रखा है 10-15 मिनट पहले, इस पोस्ट को मैं बूस्ट करके आपको सिखलाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे आप बूस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा पोस्ट, ठीक है, फुल कोर्स फॉर फ्री यूट्यूबर, ठीक है। तो अब मैं इस पोस्ट को बूस्ट करूँगा, बूस्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है, ठीक है, इसको मुझे ध्यान रख के समझ के आप देख लीजिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही करके आप प्रमोट कर सकते हैं, और एक दो बार आप जैसे ही कीजिएगा खुद ब खुद सीख जाइएगा, ये कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कुछ है ही नहीं, उसमें भी सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे ऑडियंस देखिए क्या क्या बता रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने जो सिलेक्ट किया उसे ही आप सिलेक्ट कीजिएगा, आप एज को सिलेक्ट कर लीजिए, एज कहाँ से कहाँ तक, यानी कि आप देख एक सोच सकते हैं कि अगर कोई यूट्यूबर बनना चाह रहा है उसका एज क्या हो सकता है, 45 से के बाद ज़्यादा आदमी तो वो कुछ ज़्यादा करना चाहेगा नहीं या फिर नहीं करता है। लोकेशन मेरा इंडिया, इंडिया के सारे आदमी को मैं दिखलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आप कोई प्रोडक्ट है, मान के चलिए हेयर रिलेटेड है या फिर कोई क्रीम्स है, आप जिसको करना चाह रहे हैं, बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लिखिए कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स जैसे ही आप डालिएगा वहाँ पे आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके आप सेव कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए नंबर्स ऑफ पीपल्स कितने हैं मेरे पास में, मतलब एक टारगेटेड पीपल्स है जिसको ये ऐड बोल रहा है, मैं दिखलाऊंगा। बजट आपको सेट कर लेना है, कितने की बजट में आप कितने दिन तक चलाना चाह रहे हैं ऐड को। ठीक है, मैंने बजट को सेट कर लिया, जो है एज इट इज़ मैं छोड़ दिया हूँ, कि मुझे सिर्फ आपको ये सिखलाना है, सिखलाने के बाद आपको इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसे मैंने कर दिया सेव, अब ये चला जाएगा अंडर रिव्यू, ठीक है, देख लीजिए एक बार। देखिए इन रिव्यू में ये चला गया, आपको बता दिया, कब से कब तक चलेगा, क्या क्या है, सारा चीज़ इसने बता दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या कर, अब ये भी बता दे रहा है कि एक दिन का कितना रुपया लगेगा, क्या क्या, मतलब सारा का सारा जो है पूरा डिटेल्स ये बता देता है। सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है फेसबुक का कि आप इजीली इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब देखते हैं, जैसे कि मैंने सेट कर लिया है ऐड को और ये जो था इन रिव्यू में गया हुआ था वो रिव्यू कंप्लीट हो चुका है और ऐड रनिंग स्टार्ट हो गया है, तो देख लीजिए कहाँ तक मेरा पोस्ट हो गया है, कितने लोगों के पास में, ये देख ले रहा हूँ। तो यही था, और इसका देख लीजिए टोटल ये क्या बता रहा है, 3000 पीपल्स के पास ये बता रहा है आपका ऐड गया है, और टोटल नंबर्स ऑफ क्लिक हुआ है 28 लिंक्स पे, जो लिंक मैंने यूट्यूब चैनल का दे रखा था उस पे। तो क्या लगता है आपको, ये ऐड चलाना सही रहेगा किसी छोटे बिजनेस के लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये यूज़फुल है ही नहीं, ये उतना प्रोडक्टिव है ही नहीं, है ना, मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे कि आप छोटा बिजनेस है कोई, आप प्रमोट करना चाह रहे हैं अपने छोटे बिजनेस को, तो मुझे लगता है इंस्टाग्राम, अभी तक जो मैंने ऐड आपको बताया उसमें इंस्टाग्राम ही सही है, क्योंकि ज़्यादा रिस्पॉन्सिव इंस्टाग्राम ही है।
वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।